क्रिकेट की दुनिया में हर रोज़ कोई सितारा चमकता है तो कोई चमकते चमकते रह जाता है, पर कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, अपने और देश के लिए महान योगदान देकर जाते हैं। इसी तरह की प्रतिभा नज़र आती है इस खिलाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक त्यागी ये नाम है जो हाल ही में सबके सामने आया है, और इसका कारण है इस खिलाड़ी का हुनर जिसकी तुलना बड़े बड़े नाम के साथ की जा रही है। यही उम्मीद की जा रही है कि ये नाम भविष्य में बहुत बड़ा बनेगा। चलिए जानते हैं एक किसान के बेटे की कार्तिक त्यागी की कहानी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले कार्तिक त्यागी एक भारतीय क्रिकेटर है जो राइट हैंड फास्ट बॉलर है। कार्तिक त्यागी का जन्म 8 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ के जिले के धनौरा गाँव में हुआ था। कार्तिक के पिता का नाम योगेंद्र त्यागी है जो एक किसान है और खेती करते हैं। माता नीलम त्यागी बहन नंदिनी त्यागी है। कार्तिक के पिता ने इसी के सहारे अपने बेटे को इस बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। कार्तिक ने 12 साल की उम्र से ही अपने जुनून क्रिकेट का पीछा करना शुरू कर दिया था। कार्तिक को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाने के लिए उनके पिता योगेंद्र ने ढेरों दिक्कतों का सामना किया है। एक तो वक्त भी था जब त्यागी अपने पिता के खेतों में उनकी मदद करते थे। इन सभी स्ट्रगल के बीच एक बात तय थी कि वह क्रिकेटर बनना चाहते थे। कहते हैं ना, जहां चाह है वही राह है, यह सच भी साबित हुआ। कार्तिक का बोरे ढोने वाले मजदूर से जूनियर इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन तक का सफ़र आसान नहीं रहा। वर्ष 2012 में कार्तिक ने हापुड़ के ही एक क्लब में ही क्रिकेट की टिप सीखना शुरू किया, क्योंकि वहां सुविधाएं कम थी और वहां से क्रिकेट में आगे बढ़ना मुश्किल था। तो कार्तिक ने वर्ष 2015 में मेरठ विक्टोरिया पार्क में क्रिकेट का अभ्यास करना शुरू किया। कार्तिक के हुनर को देखते हुए पहले उसका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश की अंडर 14 टीम में हुआ। 2 साल वहाँ खेलने के बाद उनके अच्छे प्रदर्शन की बदौलत उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश अंडर 19-16 में भी हो गया। अंडर 16 में तेज गेंदबाजी और खतरनाक स्विंग ने BCCI के चयनकर्ताओं का दिल कुछ इस तरह से जीता कि उन्होंने कार्तिक त्यागी को सीधे रणजी ट्रॉफी में मैच खेलने का निमंत्रण दे दिया। कार्तिक ने भी चयनकर्ताओं के निर्णय को सही साबित करते हुए पहले ही मैच में 3 विकेट चटकाकर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी। रणजी मैच में कार्तिक ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्तिक का जादू यही नहीं रुका, रणजी में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उनका नाम उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर दिया। जब उनके सिलेक्शन की खबर उनकी गांव में फैली तो पूरा गांव उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंचा। फिर कार्तिक त्यागी के जीवन में एक मोड़ आया और उन्हें इस खेल को छोड़ना पड़ा। कार्तिक को खेल के दौरान एक चोट लगी थी जहां उसे अपना नाम खेल से हटाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन कार्तिक को उसका रास्ता पता था। उनके जबरदस्त वापसी करते हुए फिर टीम में जगह बना ली और मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे कार्तिक त्यागी पर सिलेक्शन कमेटी की नज़र शुरू से थी। जिस तरह प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, ठीक उसी तरह भीड़ चाहे जितनी भी हो, पार की नज़रें प्रतिभा भवन पर पड़ी जाती है। कार्तिक के रणजी और घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन को देखते हुए उनका चुनाव 2019 अंडर 19 वर्ल्ड T20 की भारतीय टीम में भी हो गया। एक किसान का बेटा अपनी हुनर का परचम लहराते हुए IPL 2020 की ऑक्शन के लिए सिलेक्ट हो गए। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच कार्तिक को खरीदने की होड़ लगी हुई थी, इसलिए तो 20 लाख की बेस प्राइस के खिलाड़ी को 1.30 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। एक किसान परिवार में पैदा हुए थे और बहुत ही कठिनाई और संघर्ष के साथ उन्होंने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई। कार्तिक का मानना है कि उनके पिता के समर्थन ने उन्हें इतने बड़े स्तर पर पहुँचा दिया। थी कार्तिक त्यागी की कहानी, और कार्तिक त्यागी यूं ही परफॉर्मेंस करते रहे और जल्दी इंडियन टीम में डेब्यू करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।